तुम्हारा मन जो है इस बिन पेंदी के बाल्टी की तरह है, आपकी जो एनर्जी है उसको ये सब चूस लेता है, तो आपकी एनर्जी आपके गोल तक पहुंच ही नहीं पाती। तो जब एनर्जी अपने गोल तक नहीं पहुंचती, अचीवमेंट कुछ होगा ही नहीं। हसन बसरी के पास बगदाद का खलीफा पहुंचा। उसने कहा मुझे ज्ञान लेना है। यार मेरे पास सब कुछ है दुनिया का, मैं तब भी रोता रहता हूं, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम नाचते रहते हो, मुझे यह कला सीखनी है। बोला सिखा देंगे, हमें कौन सी दिक्कत, सिखा देंगे। बोला कल आना, कल सुबह आओ 6 बजे। हसन बसरी खलीफा आया दूसरे दिन सुबह। तो बसरी ने कहा देखो एक शर्त है, पहली शर्त कि जो भी मैं तुमसे कहूंगा वो तुम करोगे, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे, और अगर तुम समझ गए तो तुम मेरी वाली अवस्था में आ जाओगे। उसने कहा ठीक है, बताओ क्या करना है। तो खलीफा को ले गया कुएं पे, वहां एक बाल्टी रखी थी, बाल्टी का नीचे जो था बेस वो था ही नहीं। बोला ऐसा करो पानी भरो उसमें और खेत तक पहुंचाओ। बसरी ने खलीफा से कहा कि जो बाल्टी है इसमें पानी भरो और खेत तक पहुंचाओ, नहर में डालो और खेत तक पानी पहुंचे। खलीफा ने कहा यार ये तो पागल आदमी, इसमें भैया पानी कैसे भरेगा। लेकिन अब चूंकि शर्त का मामला था तो खलीफा ने पानी भरना शुरू किया, वो बाल्टी ऊपर आई ना, सारा पानी नीचे ही निकल जाए। तो आधे घंटे बाद खलीफा का धैर्य टूट गया। उसने कहा भैया माफ करो भैया, हमसे ना ये सब, ये बाल्टी भरेगी नहीं, पागलपन वाली बात कर रहा हूं। बोले बेटा यही तो कह रहा हूं, तुम्हारा मन जो है इस बिन पेंदी के बाल्टी की तरह है, किसी एक स्त्री पर ये नहीं रुकता, किसी एक पुरुष पर ये नहीं रुकता, इसका मन जब बस चले तो पूरे दुनिया की स्त्रियों से विवाह कर ले, लेकिन डरता है कि पीटेंगे लोग, तो बड़ी आदर्शमयी बातें करता है। यार दूसरे की स्त्री को नहीं देखना चाहिए, और खुद आंख फाड़ के देख रहे। अरे भैया हम पैसे के पीछे नहीं भागते, तुम भाग भी नहीं पाओगे ना, पैसे और स्त्री के पीछे भागना एक ताकतवर आदमी का काम है, तुम अपने पीछे तो भाग ही नहीं पाते, उसके पीछे कैसे भागोगे। तो आपकी जो एनर्जी है उसको ये सब चूस लेता है, तो आपकी एनर्जी आपके गोल तक पहुंच ही नहीं पाती। आपको पता ही नहीं चलता कि आप पर डे, आप देखो रात में शाम को, आज हमारे जो मित्र हैं भाई बहन हैं वो क्यों इतना नशा कर रहे हैं, रात में नींद नहीं आती, क्योंकि ये जो है ये सारी एनर्जी को चूस लेता है सारी। उस एनर्जी को जहां जाना है वो पहुंचती ही नहीं। तो जब एनर्जी अपने गोल तक नहीं पहुंचती तो अचीवमेंट कुछ होगा ही नहीं। अब इस अंधेरे से तुम्हें कौन निकालेगा, गुरु। तो ये गुरु क्या करेगा, तुम्हें दीक्षा देगा, और दीक्षा देकर तुम्हें कहेगा कि भैया हाँ, आपने बोला हाँ, बोले भैया ध्यान करो, ध्यान के चरण, ये दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण पहलू, फेसेस, पहला फेस यही इंपॉर्टेंट है सर, मन को समझना या देखना, ये पहला बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है कि आप देख लें। आपने अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का, और शाम को आप एकदम ताव में है कि बस कल 4 बजे कुछ भी हो जाए खत्म सारी नाटकबाजी, और रात में आप एकदम ताव में है कि कर कुछ नहीं, कल चाहे जान देना पड़े लेकिन सुबह उठना है। अलार्म लगाया आपने सुबह 4 बजे, अलार्म बजा। अब आपके इस मन ने ये नहीं कहा कि नहीं उठना है ना, ये तो ये कहेगा ही नहीं, ये इसकी खूबसूरती है सर, ये नहीं कहता ही नहीं, ये आपसे पता क्या कहेगा कि 5 मिनट यार, 5 मिनट में कुछ बिगड़ता है। आपको भी लगता है कि हाँ यार 5 मिनट में क्या 4 बज रहा, 4-5 पे उठ जाएंगे सर, आप इसकी चालाकियां समझो सर, और आपने आंख बंद कर ली, और जैसे ही आपने आंख बंद की अगली बार जो आपकी नींद खुली तो 8:30 सुबह बज रहे थे, मजा तब आएगा सर
तभी आपको जलील करेगा कि देखो तुम उठ ही नहीं पा रहे हो, तुमसे कुछ अब पूरा दिन आपका भारी रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि ये जलील कर रहा है ना अंदर से। आप उखड़े हुए पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही, अब अगर वहीं पर आपसे कहते कि चलो यार आज कोई बात नहीं कल कर लेंगे, ना जलील करेगा आपको पूरा दिन, आप डिस्टर्ब रहेंगे। ये बार बार कहता रहेगा 4 बजे उठ नहीं पाए, 4 बजे उठ लिए होते तो 5 घंटा पढ़ लिए होते। अरे तो भैया 8:30 बजे से 5 घंटे पढ़ लो, वो करने नहीं देगा वो। ये इसकी चालाकियां हैं, इसकी जो चालाकियां हैं सर उनको देखना बहुत बड़ी बात है, मन को समझना बहुत, यही इसीलिए हिंदुस्तान में एक शब्द है दर्शन, फिलोसफी के लिए जो हमने वर्ड बनाया है वो है दर्शन, देखकर, लर्निंग बाय सीइंग। वेस्टर्न फिलोसफी लव फॉर नॉलेज, उनकी डेफिनेशन अलग है, हमारी फिलोसफी का वर्ड है दर्शन, लर्निंग बाय सीइंग। बुद्ध ने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा स्पिरिचुअलिज्म, देखा क्या, देखा एक ओल्ड मैन को, देखा एक डेड बॉडी को, देखा एक बीमार आदमी को, देखा और एक सन्यासी को देखा, वहां से क्यूरियोसिटी पैदा हुई। हमारी तो एजुकेशन पॉलिसी ने हमारी क्यूरियोसिटी को तो मार ही डाला। दर्शन, अगर आप मन की इन छोटी छोटी चालाकियों को पढ़ने लगे सर, छोटी छोटी, वो पहला चरण है सर, फर्स्ट फेस। और एग्जांपल देगा, अभी 21 साल उम्र है, अभी तो हम पापा भी कह रहे थे अभी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, अभी तो 21 ईयर एज है, अगली बार दे लेंगे, इसे टालने की आदत है सर। ये जो पहला फेस है इसका वो बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि उस माइनोर चीजों को पकड़ना, आप उनके प्रभाव में आ जाएंगे सर। वो 30 साल पुराना मन है याद रखिएगा, और आप एकदम नए हैं, ये पहला फेस होता है सर। हर अच्छी चीज को कल पे टाल देगा, हर आप ट्राई करके देख लो, योगा करना है कल से, कल सुबह उठेंगे यानी 11 बजे उठे तो चलो 11 बजे ही करेंगे, 12 बजे उठे 12 बजे करेंगे, 1 बजे उठे 1 बजे करेंगे, नहीं क्यों करेगा, अब तो 1 बज गया दोपहर हो गया, दोपहर में ऑक्सीजन लेवल कम होता है साइंस कहती है, तो चलो कोई बात नहीं अब कल से कर लेंगे। ये मना तो करेगा नहीं सर, इसकी सबसे प्यारी बात है, ये किसी भी काम को मना नहीं करेगा, आप किसी बात को मना नहीं करेगा पर करने भी नहीं देगा, सबसे मजेदार बात, आपकी किसी बात को मना नहीं करेगा बस ये करने नहीं देगा, यही इसकी ब्यूटी है सर। और वो जब आप पकड़ लेते हैं बस पहले चरण आपका पूरा हो जाता है, जहां आपने उस बात को पकड़ा यार ये तो 15 दिन से मुझे सुबह उठने नहीं दे रहा, और सर ये रिपीट करेगा दूसरे दिन शाम को भी आप कहेंगे कि कल तो उठना ही, हाँ कहेगा बिल्कुल एकदम उठना है और 3:50 पे उठना है, फिर सुबह वही नाटक कर देगा। ये पहला चरण है, बड़ा क्रूशियल चरण है, बड़ा प्यारा चरण है सर, इसकी चालाकियों को पकड़ना सर। अब दूसरा चरण बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये और इंपॉर्टेंट है सर, ये फेस तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, खुद ही से जान नहीं पाते लड़ाई किससे हो रही है, उस फ्रस्ट्रेशन को वो दूसरे के ऊपर उतारते हैं। सर इस दुनिया में हर आदमी अचीवमेंट चाहता है सर, आइडेंटिटी चाहता है हर आदमी, लेकिन जब वो अपनी ऊर्जा को लगा नहीं पाता तो फ्रस्ट्रेशन आती है, डिप्रेशन आता है, माँ बाप से झगड़ा कर लेगा, भाई बहन से झगड़ा कर लेगा, दोस्तों से झगड़ा कर लेगा, टीचरों मतलब लग जाएगा कि दूसरा फेस। अब मन क्या है कहां है ये किसी को नहीं पता सर, जब आप आंख बंद करते हैं ना थॉट आती है, कहां से ये किसी को नहीं पता सर, हमको लगता है यही कहीं से आ रही है पर स्पेसिफिकली कहां से, जैसे लीवर से क्या निकल रहा है हमें पता है, किडनी से क्या हो रहा है हमें पता है, हार्ट से क्या हो रहा है हमें पता है, लेकिन विचार कहां से आ रहे। अब आप कमरे में बैठे 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 पढ़ रहे और विचार आ गया कि यार यहां गिर गया बिल्डिंग पे मर गए, अब आप बेचैन हो गए बाहर निकल आए, बस आ गया थॉट आ गया, आपको पता ही नहीं चला थॉट आ गया, ये मन कहां है ये नहीं पता। तो जब पता ही नहीं कहां है तो उस पर वर्क कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज। व्हेन यू डोंट नो व्हाट इज माइंड एंड वेयर इज माइंड एंड फ्रॉम वेयर थॉट्स आर कमिंग, हाउ यू विल वर्क ऑन इट, ये दूसरी बहुत बड़ी समस्या साधुओं के सामने, पता ही नहीं विचार कहां से आ रहे हैं, बस आते हैं, बस आते हैं। और बहुत बड़ी बात मन के कुछ अगर आप पहलू देखें माइंड के, एक तो पता नहीं विचार कहां से आते हैं, और विचार ऐसे आएंगे जैसे आपसे मैंने 1000 रुपए ले रखा है, आप मुझे फोन मिला रहे हैं, मैं नहीं उठा रहा हूं, तो ये विचार नहीं आएगा कि बेचारे का फोन खो गया होगा ना, विचार ये आएगा कि देखो पैसा लिया फोन नहीं उठा रहा, विचार ये भी तो आ सकता है कि बेचारे का फोन खो गया होगा कोई बात नहीं दो बार के बाद नहीं मिलेंगे, और अगर ये आ जाए दोनों विचार है, मैं 1000 रुपए ले आऊं आप मुझे फोन कर रहे हैं और मैं नहीं उठा रहा हूं, तो अब दो विचार आ सकते हैं, एक कि बेचारे का फोन खो गया होगा, अब अगर विचार ये आ जाए तो आप रिलैक्स रहेंगे, लेकिन अगर विचार ये आ गया कि देखो पैसा लिया जानबूझ के नहीं उठा रहा है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। दोनों विचार, एक विचार आपको शांति दे रहा है और दूसरा विचार आपको अशांति दे रहा है, और यह हर केस में होगा सर, हर जगह होगा, हर जगह लाइफ।